तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। संसद के बाहर चंद्रशेखर ने किया प्रदर्शन। अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे। SC ST के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताया विरोध। क्या हम इंसान नहीं, क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता। संसद में बोलने नहीं दिया तो बाहर किया हल्ला बोल। कौन देगा जवाब, कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो तो करो न्याय, और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय तो छोड़ो कुर्सी। ये तस्वीरें आज देश के संसद के बाहर से आई हैं। भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हाथों में तख्तियां लेकर संसद की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। आजाद ने यूपी और राजस्थान में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ विरोध जताया। आजाद का कहना है कि उन्हें संसद के भीतर बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए वो संसद के बाहर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है, तो हम क्या करें पार्लियामेंट में। अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे। सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है, आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे। शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं, क्या हमारी माओं को दर्द नहीं होता। कौन देगा जवाब, कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो तो करो न्याय, और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को। अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता, लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। सोशल मीडिया पर आजाद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान में पिता पुत्र पर तलवार से हमला किया गया जिसमें बेटे की मौत हो गई। वहीं गाजियाबाद में दो दलितों को गोली मारने की वारदात सामने आई जिसमें एक की मौत हो गई। आजाद इन मामलों को लेकर विरोध जता रहे थे। इस विरोध पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज पीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज पीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।